अरे वीडियो वगैरह तो बनती रहेगी भाई, पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि टीम के पास ओडोमॉस क्यों नहीं है? यहाँ इंसानों को मैच के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, मच्छरों को ऑल एक्सेस पास किसने दिलवा दिया भाई? लेकिन कल भाई साहब गर्मी में जो ऑस्ट्रेलिया को पहला है बढ़िया तरीके से, कंगारुओं को ये समझ में नहीं आ रहा है इस हार से उभरने के लिए क्या पिए, इलेक्ट्रॉल या अपने आंसू? मेरी राय माने भाई साहब तो थोड़ी सी फिल्टर कॉफी पी लें, कम से कम ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर आने का थोड़ा तो फायदा हो आपको भी। कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया और केएल राहुल और विराट कोहली का कारनामा देखने के बाद मेरा खुद का मन कर गया भाई साहब कि साइकिल उठाऊं और धुन धुन पहुंच जाऊं यहां से चेन्नई उनसे मिलने के लिए। फिर मैंने सोचा ना मेरे पास स्टेमिना है ना मेरे पास टिकट है, छोड़ो रहने दो। अपनी मेंटल हेल्थ अगले 45 दिन इनके हाथों में थामने के बाद, कल इंडिया की परफॉर्मेंस देखने के बाद, आई कैन सेफली से वन थिंग दैट इंडिया के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए इंडिया, साला मेरी आवाज में भी इरिटेटिंग लग रहा है। इंडिया की वर्ल्ड कप कैंपेन का कल शुभारंभ हो गया विदाउट शुभमन गिल इन चेन्नई सेपॉक स्टेडियम। क्या क्या फैक्टर्स थे इंडिया की इस जीत के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे अगले 5 पॉइंट्स में, बिकॉज आई एम जैर एंड यू आर वॉचिंग। देखा जाए इस बार तो वर्ल्ड कप भारत 2 टीमों के साथ खेल रहा है, एक उन 11 लोगों की टीम के साथ जो एक्चुअली फील्ड में उतरते हैं मैच खेलने के लिए, और बाकी उन सैकड़ों लोगों की टीम के साथ जो कि एक्चुअली वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इंडिया में। हालांकि दूसरी टीम के ऊपर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कल पहली टीम ने साबित कर दिया कि उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठ सकता विद सच अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात तो ये भाई साहब, जब भी कोई ना कोई वर्ल्ड कप होता है ऐसे ऐसे डेटा, ऐसे ऐसे स्टेटिस्टिक्स, ऐसे ऐसे इत्तेफाक आपके सामने आ जाते हैं कि हर बार साला लगता है कि ये साला तो कब पक्का नाम दे। कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ तो भाई साहब एकदम बेतुके। हमारी सोसाइटी में एक आंटी बोलती फिर रही है कि जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था तब भी मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है अभी फिर मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मैंने कहा आंटी ये कौन सा स्ट्राइक रेट चल रहा है 12-13 साल का आपकी बेटी का? कह रही साले दो अलग अलग बेटी है मेरी। ओ मैंने कहा सॉरी माय बैड। ये सब चल रहा है भाई साहब, ज्योतिष से लेके स्टैटिस्टिशियन तक हर आदमी बताने में लगा हुआ है, जुगाड़ करने में लगा हुआ है कैसे दिस इज इंडियाज ईयर। लेकिन कल के मैच के परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया भाई साहब दैट दिस इज कमिंग होम। क्यों मुझे लगता है, सारे के सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द टीम सिलेक्शन फॉर दिस मैच। वर्ल्ड कप से पहले बैटिंग डेप्थ की इतनी बात हो रही थी कि मुझे तो लग रहा था भाई साहब ये लोग नंबर 8 पर कहीं सूर्य कुमार यादव को ना खिला ले। लेकिन ठीक वर्ल्ड कप के पहले मैच में विनिंग कॉम्बिनेशन, बैटिंग डेप्थ जैसे कॉर्पोरेट टाइप के शब्द छोड़ के इन्होंने एक ऐसी टीम सेलेक्ट करी विच वॉज कीपिंग द ओपोनेंट एंड द कंडीशंस इन माइंड। बात चल रही थी शामी वर्सेस शार्दुल की, लेकिन अश्विन आउट ऑफ क्वेश्चन आ गए। इंडिया ने कल चेन्नई में 3 स्पिनर खिलाए और ये तो वही बात हो गई कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट है इंग्लिश और एंट्रेंस एग्जाम में 3 सवाल तो आ जाए संस्कृत के। अश्विन जडेजा एंड कुलदीप बिकेम एन इंटरेस्टिंग ट्राई और तीनों इतने अलग इतने लीथल गेंदबाज हैं और कल ऑस्ट्रेलिया को चेन्नई पे इन्होंने ऐसे ही बांध के रखा जैसे मेरे परिवार के हिसाब से मेरी बीवी ने मुझे। बट टू बी ऑनेस्ट डिसाइडिंग अ टीम बेसिस द ओपोनेंट एंड द कंडीशंस इज द आइडियल वे दैट एवरी टीम शुड ऑपरेट और इंडिया ने कल वही करके दिखाया। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो देयर कॉन्फिडेंस एंड द फैक्ट दैट दे आर अ चैंपियन साइड इन दिस वर्ल्ड कप। आई होप आने वाले मैचेस में भी सिर्फ ओपोनेंट को देखकर, कंडीशंस को देखकर और प्लेयर्स की स्किल सेट को देखकर ही टीम सेलेक्ट हो, एंड इफ इंडिया कैन डू दैट फॉर द नेक्स्ट 45 डेज इन द टूर्नामेंट I think it's coming home again. Point number 2, top order batting collapse. अरे भैया लोगों को आता होगा कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग देख के कल ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया। अरे भैया कुल मिला के 200 रन चेस करने थे, चेन्नई का स्टेडियम देखा सामने पीली जर्सी वाली टीम देगी, इनको लगा 20 ओवर में करने, अबे 2 ओवर निकले थे भाई साहब फैंस के सीने में ऐसे धक धक हो रहा था भैया। सबसे पहले तो भाई साहब जिस हिसाब से कल ईशान किशन ने अपनी पहली शॉट खेली है, मैं वैक्सीन वॉर वाले साइंटिस्ट डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारा का सारा ध्यान लगा दे भाई साहब डेंगू का इलाज ढूंढने में, एक दिन के अंदर कब खत्म होंगे ये मच्छर। बाकी भी भैया मैं ये बोलना चाहूंगा कि सारा का सारा ध्यान शुभमन गिल के ऊपर लगा, उनको जल्दी सही करे, मतलब जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको भी देख ले, कहीं को उनको छोड़ के सारा शुभमन गिल पे लगा दिया और नाम मेरे पे आ गया। नो, आई एम नॉट से दैट, बट थिंक अबाउट व्हाट अ वेस्ट दैट वाज। यू हैड वन चांस टू मेक अ मार्क, मतलब देखो यार बैट्समैन हो या नेता आउट तो उन्हें होना ही है, लेकिन ऐसे कौन आउट होता है भैया? अरे एक बॉल तो देख लो भाई, वनडे मैच चल रहा है, सुपर ओवर थोड़ी चल रहा है। पर चलो ईशान किशन का मैं फिर भी समझ सकता हूँ, पहला ओडीआई वर्ल्ड कप है, नर्व्स है, रश ऑफ ब्लड है, हो जाता है। श्रेयस अय्यर ने ये क्यों कहा मेरी समझ के बाहर है, 2 पे 2 स्कोर पे भाई आए बैटिंग करने के लिए और शॉट ऐसे मार रहे हैं जैसे 2 बॉल पे 2 रन चाहिए हो। ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007 में 10 डेयर के साथ में ऐसी शॉट ना मारो ऐसी सिचुएशन में, आपने पता नहीं क्यों मार दी।
दैट आई रियली फेल्ट वॉज अ क्रिमिनल एक्ट एंड आई रियली होप कि श्रेयस अय्यर पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कम से कम नहीं तो 3 टिकटॉक का बैन लगाया जाए। पर 2 पे 3 कर दिया भाई, ये तो ऐसा फ्रैक्शन है जो मैं मैच में सॉल्व ना कर पाऊं। मैच में तो केएल राहुल और विराट कोहली को धन्य हो भाई साहब कि उन्होंने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को। आई फेल्ट रोहित ऑफकोर्स आई फेल्ट वॉज अ लिटल अनलकी, ही गॉट आउट ऑन अ गुड बॉल एंड अ 50-50 LBW डिसीजन वेंट एक्चुअली अगेंस्ट हिम, बट अदरवाइज भी आई वुड रियली एक्सपेक्ट दैट टॉप ऑर्डर शुड टेक अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने केयरलेसली अपने विकेट को फेंके नहीं, बिकॉज इफ इंडिया इज टू विन द वर्ल्ड कप इट वुड नीड एटलीस्ट द टॉप 5 बैट्समैन टू ऑलमोस्ट ऑलवेज क्लिक टुगेदर। पॉइंट नंबर 3, द कोहली एंड केएल राहुल पार्टनरशिप। वही बात है ना भाई साहब कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, सॉरी जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, ये बढ़िया है। टू बी ऑनेस्ट समहाउ इवन एट 2-4-3 आई वाज समवेयर अश्योर्ड कि इंडिया कैन पुल दिस ऑफ एज लॉन्ग एज कोहली इज देयर ऑन द क्रीज बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंसेस इन रेगुलर रन चेजेस एंड व्हाट एन इनिंग दैट वाज फॉर बोथ केएल एंड कोहली टू प्ले सच अ सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल इनिंग वॉज वेरी वेरी एंडियरिंग। एक भी शॉट उन्होंने रेकलेस नहीं खेला, एक भी शॉट हवा में नहीं खेला, एंड वही बात है ना कि वेन द बॉल वॉज टॉकिंग all you could do is listen and that is exactly what these guys did. Virat Kohli's 85 had just 6 boundaries. कितना वो आदमी सिंगल डबल लेके सामने वाली टीम को डिफ्लेट कर सकता है ये देख के भाई साहब मजा ही आ गया। ऑल द पुअर थिंग ही कुड नॉट गेट हिज 78 सेंचुरी, लेकिन इन माय ओपिनियन इनका ये 85 वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स दैट इज प्लेड इन द पास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज जिस सिचुएशन में जिस ट्रबलसम प्रेशर के अंदर आकर इन्होंने टीम को रेस्क्यू करा और जितने धैर्य के साथ इन्होंने खेला वो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। मैं तो कोहली जी से भी इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप जब भी रिटायर हो ये कॉमेंट्री करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप प्लीज नेता बन जाएं। मैं देश का नेतृत्व आपके हाथों में देना चाहता हूं। आई विल वोट फॉर यू कोहली फॉर पीएम। केएल राहुल ऑन द अदर हैंड, भाई साहब मुझे खुद से घिन आने लगी कि इस देवता समान आदमी का मैं मजाक उड़ाया करता था। अपने आप को सजा देने के लिए गाइस मैंने देश के धोनी के 3 एपिसोड दोबारा देख डाले और अपनी जबान को सबक सिखाने के लिए शाम को कुरकुरे मोमोज खाने भी जा रहा हूं। बट जोक्स अपार्ट, जेम ऑफ अ नॉक फ्रॉम दिस मैन एज वेल यार, ही मिरर्ड कोहली इन क्लास एंड पेशेंस एंड वाज जस्ट सो एंडियरिंग टू सी देम लाइक दिस। अगेन उनकी भी सेंचुरी नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, बट दिस 97 अगेन वॉज वन ऑफ केएल राहुल्स बेस्ट इनिंग्स। पॉइंट नंबर 4, जड्डू गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। भाई साहब स्पिन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे जडेजा की ही लग रही थी। एक तो वैसे भी उनकी तलवारबाजी देखे हुए 1.5-2 साल हो गए, याद भी नहीं कब ओडीआई में उन्होंने तलवार चलाई थी। बॉलिंग भी थोड़ी सी लुप लुप हो रही थी मेरी। बट यस्टरडे ऑफ कोर्स ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। 3 विकेट लिए उन्होंने एंड दैट टू ऑफ स्मिथ, लाबुशेन एंड एलेक्स कैरी। चलो कैरी को तो छोड़ दो, कौन ही पूछ रहा उसे, लेकिन स्मिथ एंड लाबुशेन आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ दिस मिडिल ऑर्डर इन ऑस्ट्रेलिया और अगर इन लोग को एक लंबा स्टे मिल जाता क्रीज पर ये 200 का स्कोर शायद 250-260 भी हो सकता था, विच वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू चेस। बहुत ही टाइट बॉलिंग उन्होंने करी और पूरे 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, विच ऑलमोस्ट क्रिएटेड प्रेशर ऑन द अदर एंड एज वेल, विच हेल्प अदर इंडियन बॉलर्स टू ऑल्सो टेक विकेट्स। ऑफ कोर्स वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, लेकिन हार्दिक पांड्या को छोड़ के सब ने ही ठीक ठाक बॉलिंग कर ली, वो डिपार्टमेंट भी टिक ऑफ हो गया वेरी वेल। पॉइंट नंबर 5, द क्राउड्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भाई साहब, लेकिन मैंने कभी एक साथ इतनी नीली जर्सी स्टेडियम में नहीं देखी थी। मैंने कहा साला मुझे लग रहा था मैं तुर्रम खान हूं ये पहन के आया हूं, लेकिन सारे के सोंडे लाउंडे पहन के घूम रहे। मैं तो सस्ती वाली मिल रही थी क्या, मेरे को तो पता नहीं चला। बट टू बी ऑनेस्ट, क्राउड्स प्ले सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी वर्ल्ड कप मैच, एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि भैया जिस तरह से क्राउड आपको सपोर्ट करती है, आप या तो इसको प्रेशर की तरीके से देख सकते हैं या आप इसे एज एन एडेड एडवांटेज देख सकते हैं कि ये आपको बैक करेंगे टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ स्वेट फ्रॉम आर बॉडीज। कल की क्राउड बड़ा अच्छा लगा देखकर और ये लगा कि अच्छा माहौल बन जाएगा इंडिया के आगे मैचेस में। इंडिया अब जा रही है दिल्ली अपना अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने, जिसके टिकट मेरे पास है, मैं देखूंगा स्टेडियम में और उसके भी 5-point रिव्यू लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए इस मैच के बारे में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूं और 4 पैसे भी कमाता रहूं। सी यू, ईमानदारी का टेक केयर, बाय बाय, टाटा, लव यू।